कोणार्क सूर्यमंदिर आरंभ है बाली काढ़ प्रक्रिया। प्राथमिक पर्यायर बाली काढ़ कार्य आरंभ कर एसआई। प्रथम पर्यायर एक घर कंपनी द्वारा मंदिर उपर भाग तलभाग पर्यंत एक प्लाटफर्म निर्माण पर आज भूमिपूजन करसआई सुपरिटेडेन्ट अरुण मल्लिक कार्य शेष लगे तीन वर्ष समय धार्य हो प्लाटफर्म निर्माण पर सूर्यमंदिर बाली काढ़ा। एक्सकवेशन नहीं, सन टेम्पल कोणार्क आप सबको पता है कि जब उसका कंजर्वेशन चालू किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उन्होंने इसके अंदर जो जगमोहन है, जगमोहन के अंदर सैंड भर के इसको सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक वो सैंड वहीं पर ही है और जगमोहन उसका कंसील्ड है, पूरी तरह से बंद है। मतलब कि उसके तीन दरवाजे हैं, वो तीनों दरवाजे बंद हैं और गर्भगृह की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो भी बंद है। तो कई वर्षों से इसके ऊपर कई चर्चाएं चली, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे एक्सपर्ट आए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। अंततः क्या किया गया कि सीबीआरआई को ये काम दिया गया, सीबीआई की भी सैंड निकालने की मोडालिटी डिसाइड करें। तो उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में एक ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन हुआ कि आप नेशनल सेमिनार करें और मोडालिटी डिसाइड करें इसको सैंड निकालने के लिए 2019 के अंदर, तो हमने एक नेशनल सेमिनार किया। उसके बाद में मोडालिटी डिसाइड करने के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई और कमेटी बना करके हमने आईआईटी मद्रास को ऑन बोर्ड लिया। प्रोफेसर अरुण मेनन आईआईटी मद्रास से हमारे साथ हैं और हम लोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिलकर के एक स्कीम बनाई है, एक मोडालिटी बनाई है जिसके तहत हम लोग अब इसका सैंड निकालने का काम शुरू करेंगे। आमर 2002 रे गोटे सेमिनार होता कोणार्क, इंटरनेशनल सेमिनार होता, फॉरेन एक्सपर्ट आसी क्रॉसी थे गोटे बहुत बड़ फॉरेन एक्सपर्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आईआईटी चेन्नई रु लोक आसते इंटैक भी तार पार्टिसिपेंट थी सेठी स्ट्रंगली रेकमेंड से मैंने एंडोस्कोपी करके देखी थे से बाली 12 फुट तल को खसी जाइए जो बाली छात जाए थी इतिक वर्ष में तार कंपैक्शन हो कि दबिकी से आ सपोर्ट कर ना से छात बाली सपोर्ट रे नहीं। कमिटी गोटे पर गोटे ये कहले कि बाली कढ़ा जाओ किंतु एएसआई आई तो डरुले कि रिस्क नाकू चाहून देखते से गोटे पुराना स्ट्रक्चर ता भर गोटे रिस्क इनवल्वमेंट अच्छी आपको डर थी काले आम का बाली बाहर करूँ जब जगमोहन भुसुटी जीव आम दोष नबू ई ना सी ना ताकि 8 वर्ष तले एंडोस्कोपी गोटे कणा करके कैमेरा भी भितर पूरा होता पूरा स्ट्रक्चर होता से रेकमेंड करते आपड़ बाली बाहर करूँ आज बाली बाहर हो बहुत भल आम स्वागत करा 10 वर्ष पूर्व हवा कथा। निश्चित भाव में आम कोणार्क अंचलवासी और विशेषकर कोणार्क सुरक्षा समिति पक्षर ये गोटे दीर्घ दिन दाबी थी और दीर्घ 3 वर्ष तले गोटे हाई पावर कमिटी जातवास बस निष्पत्ति नहीं थे विशेषज्ञ द्वारा बाली कढ़ निष्पत्ति प्रत्नतत्व विभाग को परामर्श दिया कार्य दीर्घ दिन अवहेला विभिन्न समय कोणार्क सुरक्षा समिति माननीय मंत्री ठीक आरंभ कर प्रधानमंत्री दृष्टि आकर्षण कराइला और ता आज सफल हो जा आम बहुत खुशी अच्छा और टेक्नीशियन मानक नहीं विशेषज्ञ मानक नहीं कार्यक्रम करें दृढ़ दावी करा निश्चित मान जो गर्भगृह मैंने पर्यटक मैंने प्रवेश कर पूजार्चना करेंगे और कोणार्क सूर्य मंदिर को पाखु दर्शन करेंगे ताग समस्त गोटे उत्साह सह अच्छी तेज आम दावी करूँ तुरंत कार्यक्रम करम अंचलवासी सहित पर्यटक मैंने खुशी व्यक्त करेंगे। मो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ये आभिमुख्य को मुझे स्वागत जनाऊँ दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर आज जो नुआ आशा संकुलित होम कोणार्कवासी जदि कोणार्क मंदिर बाली बाहरी जदि से कोणार्क मंदिर पुनरुद्धार कराए ता वास्तविक गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप कोणार्क अंचलवासी एथिपाई बहुत दिन आशा और आकांक्षार सह अन बस गर्भगृह ता खोला हाब के मंदिर भितर को प्रवेश करूँ यह प्रकृति गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप।